औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सलामुन अलैकुम नाज़रीन, आइए बात करते हैं इलाही निशानी फूलों से निकलने वाले रस के सिलसिले से। ये जो हमारे इर्द गिर्द तरह तरह के फूल नज़र आते हैं, ज़हन इंसानी पर खुशगवार असर डालते हैं। इसके सिलसिले से माहिरीन का कहना है कि अक्सर फूल हर वक्त अपना रस बाहर नहीं निकालते हैं, बल्कि उसका भी एक मुअय्यन वक्त है और उसकी मुद्दत 3 घंटे से ज़्यादा नहीं है। और सब फूलों के रस निकलने का वक्त भी एक नहीं होता, बल्कि कुछ फूलों का रस सुबह के वक्त निकलता है, कुछ जोहर के वक्त, और कुछ फूलों में से जोहर के बाद रस निकलता है। शहद की मक्खी की खासियत ये होती है कि वो फूलों को भी पहचानती है, उसके रस को भी, और वक्त शनास भी होती है, यानी उस वक्त को भी पहचानती है कि जब फूलों का रस निकलता है, सही वक्त पर फूलों से उनका रस ले लेती है। अब शहद की मक्खी फूलों के रस को एक मज़ेदार सी खुश रंग ताकत बख्शने वाली ग़िज़ा यानी शहद में तब्दील कर देती है, जो हमारे लिए ग़िज़ा और दवा दोनों का काम करता है, जिसके बारे में कुरान करीम की सूरह नहल में ऐलान हो रहा है। और तुम्हारे परवरदिगार ने शहद की मक्खी को इशारा दिया कि पहाड़ों और दरख्तों और घरों की बुलंदियों में अपने घर बनाए, उसके बाद मुख्तलिफ फलों से ग़िज़ा हासिल करे और नरमी के साथ खुदाई रास्ते पर चले, जिसके बाद उसके शिकम से मुख्तलिफ किस्म के मशरूब बरामद होंगे, जिसमें पूरे आलम इंसानत के लिए शिफा का सामान है और उसमें भी फ़िक्र करने वाली कौम के लिए एक निशानी है। बस चाहिए कि गौर व फ़िक्र करें और इलाही निशानियों पर गौर करते रहें। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।